कार्सिनोजन का मतलब होता है कैंसर हो सकता है, WHO की रिपोर्ट है। दोस्तों सेल फोन हमारी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो चुका है और ऑलमोस्ट हम लोग एडिक्टेड हो चुके हैं। जैसे दारू का नशा होता है ना, लगभग ऐसे ही हम लोग सेल फोन के लिए पगलाए घूमते रहते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले हमें सेल फोन चाहिए होता है और किसी किसी के पास तो दो दो सेल फोन होते हैं और ये कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज्यादा रेडियो फ्रीक्वेंसी के लिए एक्सपोजर दे रहा है। इसलिए बहुत ज्यादा कंसर्न इस बात पे शुरू हो गई है कि क्या ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसी से हम चारों तरफ घिरे हुए, कहीं ये हमारे हेल्थ को नुकसान तो नहीं पहुंचा रही है, कहीं ये एनवायरमेंट को नुकसान तो नहीं पहुंचा रही है। इस पे बहुत सारी मूवीज भी बन चुकी हैं कि सेल फोन और मोबाइल टावर्स कितना एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और आज की सेशन में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं अगर सेल फोन से हम कितना होता है हमारे एनवायरमेंट को और हमारी बॉडी को, और इसके लिए कौन कौन से रिसर्च हुए हैं और आखिर इंडिया में इसका क्या रिसर्च हुआ और क्या प्रभाव देखा गया है। ये सारी चीजों को हम आज डिस्कस करने वाले, क्लोजली बैठिए और देखिए, क्योंकि हम सबके पास फोन तो कम से कम है और हमारा एक्सपोजर है टेलीविजन, माइक्रोवेव, एवरीथिंग इज अराउंड यू। इसलिए ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि इट इज रिलेटेड टू योर लाइफ। तो चलिए देखते हैं कि हमारा जो सेल फोन है ये किस तरीके से रेडिएशन पैदा करता है और हम कितना एक्सपोजर हो रहा है। तो ये हम बात करेंगे आज डिफरेंट टाइप के वेव्स की, जिसमें दो इंपैक्ट अपने को देखना है, दो इंपैक्ट। और ये जो इंपैक्ट होगा, एक को कहते हैं नॉन आयनाइजिंग इंपैक्ट, दूसरा आयनाइजिंग इंपैक्ट। जब हम कहते हैं आयनाइजिंग इंपैक्ट, ये हमारे जो टिश्यूज है, हमारे सेल है, उनके अंदर हीट पैदा करता है और हीट पैदा करने की वजह से हमें कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। यह है हमारे वेव्स, जितने प्रकार की वेव्स जो हमारे रोज हम जिनकी चपेट में आते हैं, वो सारे वेव्स के बारे में बता दूं आपको। लॉन्ग वेव्स हैं जब हमारी सनलाइट नीचे आती है जमीन पर और यहां से सनलाइट निकलती है तो शॉर्ट वेव के फॉर्म में नीचे आती है और लॉन्ग वेव के फॉर्म में अर्थ उसको एमिट करता है, उसको छोड़ता है और चारों तरफ जो हमारी ग्रीन हाउस गर्मी पड़ती है ना, ये लॉन्ग वेव की वजह से ही होती है। इसके अलावा एएम वेव्स और एफएम वेव्स, आपको पता है रेडियो फ्रीक्वेंसी रडार हर जगह, एफएम रेडियो के बारे में सुना ही होगा, ये सब जगह यूज होता है, जीपीएस सिस्टम में भी ये फ्रीक्वेंसी यूज होती है। इसके अलावा माइक्रोवेव के बारे में आपको पता ही होगा, इंफ्रारेड के बारे में आपको पता ही होगा, कुछ हम इसका यूज दिखा देते हैं आपको, शायद आपको समझ में आ जाए। ये माइक्रोवेव जो आप खाना बनाते हैं, ये भी कहीं ना कहीं रेडिएशन ही है, जो एक छोटे से चैम्बर में रेडिएशन को बंद कर दिया जाता है और बहुत हीट जनरेट कर देता है जब उसे हम फोर्स करते हैं चारों तरफ। इसके अलावा जो हमारा जो ये रिमोट है, ये इंफ्रारेड वेव्स को निकालता है और आपको एफएम टावर्स और एफएम रेडियो के बारे में तो आपको पहले से ही पता होगा, ये सारे हमारे यूजफुल है। इसका मतलब है कि हर जगह हमारा टेलीविजन, हमारे माइक्रोवेव, हमारा किचन, हर जगह ये रेडियो फ्रीक्वेंसीज हैं। और ये रेडियो फ्रीक्वेंसीज कैसे नुकसान पहुंचाती हैं, इसका इंपैक्ट क्या देखा गया है, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये डेंजरस होती जाती है। आपको अच्छी तरीके से पता होगा अल्ट्रा वायलेट वेव्स जो हमारे सनलाइट में पाई जाती हैं, वो किस तरीके से हमें स्किन कैंसर पैदा कर सकती हैं। एक्सरेज जो आपके हड्डियां टूटने पर एक्सरे होता है, वो हाई फ्रीक्वेंसी रेड कैटेगरी में डाला गया है, ध्यान से देखना आप इसको, ये कितना खतरनाक हो सकता है। गामा रेस और भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। ये जो ग्रीन है, इनके बारे में अभी तक जो रिपोर्ट आई है बहुत ज्यादा निगेटिव नहीं आई कि इनका जो एक्सपोजर है चूंकि कम होता है हमारा, तो ये बहुत ज्यादा निगेटिव इंपैक्ट अभी इसका देखा नहीं गया है। लेकिन लॉन्ग टर्म एक्सपोजर अगर सारे एक साथ आ जाए, जरा सोचो तो कितना बड़ा इसका इंपैक्ट हो सकता है। एफएम रेडियो भी हमारे पास है, हमारे पास एक्सरे भी हमारा हो रहा है, हमारे पास लॉन्ग वेव तो ही है, माइक्रोवेव ही है, इंफ्रारेड ही है, एवरीथिंग है, और तो सारा मिला करके हो सकता है कुछ निगेटिव इंपैक्ट हो जाए। तो चलिए देखते हैं, अब हम बात करेंगे रेडियो जो एक्सपोजर है उसकी बात करेंगे। इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन, इस ये हमेशा
निकालता रहता है टाइम टाइम पे। 1977 में उन्होंने निकाला था, 1990 में निकाला था, लेटेस्ट में 2007 में उन्होंने निकाला कि कितना एक्सपोजर हमारा अगर हो तो हमारे लिए नुकसानदायक नहीं होगा, और उससे ज्यादा हो तो हमारे लिए कितना नुकसानदायक हो जाएगा। तो जो रेडियो को मापा जाता है वो मापा जाता है सीवर्ट में। सीवर्ट इसकी यूनिट है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और सीवर्ट का मतलब होता है 1 जूल पर केजी, राइट right? और हम जो नापते हैं उसे नापते मिली सीवर्ट में। मिली सीवर्ट में याद रखेंगे 2007 जो कि लेटेस्ट है, जिसमें इसने रेकमेंडेशन रखा है कि 100 MSB तक 5 सालों में अगर अपने बॉडी के अंदर हमारे जाता है रेडिएशन तो वो नुकसानदायक नहीं है, और 50 MSB पर ईयर, 50 MSB पर ईयर हमारे बॉडी पे इंपैक्ट आता है रेडिएशन का, तो इट इज नॉट गोइंग टू हार्मफुल। खास करके उन लोगों के लिए जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो लोग यूज करते हैं सारे टूल्स। लेकिन अगर जनता के लिए हो तो जनता के लिए सिर्फ 1 MSB, चूंकि हमारे पास कोई प्रोटेक्शन का टूल नहीं है, 1 मिली सीवर्ट हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, उससे ज्यादा पर ईयर। तो यह हमारे लिए कैलकुलेशन है। अब हम देखते हैं कि जो हमारे एक्सरेज हैं या जो भी हमारे हाई लेवल, क्योंकि माइक्रोवेव और इनका अभी तक रिसर्च नहीं हो पाया है ठीक से, लेकिन जो एक्सरे वगैरह है इनका अच्छे तरीके से रिसर्च हुआ है। ध्यान से देखेंगे कि अगर 15 बार एक्सरे आप कराते हो चेस्ट का 15 बार तो 1.5 MSB का एक्सपोजर आपका हो जाता है भाइयों, ध्यान से देखिएगा। और यह स्पेशलिस्ट सिटी स्कैन में सिर्फ चेस्ट का किया जाएगा तो 0.1 MSB है, जबकि सिटी स्कैन अगर पूरे होल बॉडी की हो ना भाइयों तो हो जाएगा 9.9 MSB। 9.9 MSB 100 चेस्ट एक्सरेज जो होते हैं उनके बराबर ये होता है। 100 चेस्ट एक्सरे अगर आप कर दिया जाए तो 9.9 MSB हो जाता है, और वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं डॉक्टर जब मना करते हैं कि बार बार एक्सरे मत कराओ तो उसके पीछे एक रीजन होता है भाइयों, बार बार एक्सरे नहीं कराना है क्योंकि उससे हम रेडिएशन के लिए एक्सपोजर होते हैं और उसे बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं, ध्यान रखेंगे। तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से एक्सरे की इमेज होती है, ध्यान से देखेंगे सीटी स्कैन किस तरीके से होता है। ये सारी इमेज हमारी जो है वो सीटी स्कैन की है, और ये है हमारे एक्सरे की इमेज। देखिए आपने देखा होगा किसी के चेस्ट का एक्सरे होता है तो इस तरीके की इमेज आती है, हेड का इस तरीके की इमेज आती है। तो ये हमारे जो एक्सरे और सीटी स्कैन है वो हमें ज्यादा एक्सपोजर देता है, क्योंकि हमने डेली लाइफ में हम इसका यूज करते हो, खास करके वो लोग जो करते हैं वो तो डेली एक्सपोजर रहता ही है उनका। अब हम बात करेंगे सेलफोन की। सेलफोन पर जब हम बात करते हैं, देखिए एक रिसर्च आया है कि सेलफोन पर जब हम बात करते हैं नॉर्मल बिना बात किए तो हमारे हेड का जो टेम्परेचर है वो ये होता है। जब हम बात करते हैं 15 मिनट के लिए तो हमारे ये रेड वाला आप देखेंगे एंगल, ये किस तरीके से बॉडी का टेम्परेचर पड़ता है, यहां का टेम्परेचर बढ़ता है। याद रखेंगे कि रेडिएशन से जो टेम्परेचर बढ़ता है हमारे टिश्यूज का, यही कैंसर का कारण बन सकता है साहब, यही कैंसर का कारण बन सकता है, ट्यूमर का कारण बन सकता है। यही एकमात्र रीजन है कि टेम्परेचर अगर बढ़ा तो कैंसर होने की संभावना बढ़ सकती है। और इसलिए WHO ने इसे जो रेडियो, ये जो सेल फोन है हमारा, यहां से जो रेडिएशन निकलता है इसको क्लास 2B कार्सिनोजन बोला है। कार्सिनोजन का मतलब होता है कैंसर हो सकता है, WHO की रिपोर्ट है, और ये है पॉसिबल कैंसर थ्रेट, क्लासिफिकेशन किया गया है साहब। WHO ने क्लियरली इसको बता दिया है, और इसलिए सेलफोन कहीं ना कहीं खतरनाक तो है। नाउ द प्रॉब्लम इज कि WHO का अभी पूरा रिपोर्ट आना बचा है, 2022 में आने वाला है कि पूरा जो रेडिएशन होता है सारे रेंज के उसका एक्यूमुलेटिव इंपैक्ट कितना होगा। आप घर में बैठे हुए हो, माइक्रोवेव भी आपके आसपास है, आपके पास टीवी का रिमोट भी है, आपके पास FM भी है, आपके पास मोबाइल फोन है, आपके घर छोटा सा है, वहीं पे सारे रेडिएशंस हैं, कितना एक्यूमुलेटिव इंपैक्ट हो सकता है आपकी बॉडी पर, वो रिपोर्ट 2022 में आएगी। और 5G हमारे यहाँ पहले ही लॉन्च होने जा रहा है, और 5G की जो फ्रीक्वेंसी है वो काफी हाई है, और इसीलिए जूही चावला जी ने केस भी किया था जो कि वो डिसमिस कर दिया गया था। तो ये WHO की रिपोर्ट के हिसाब से था। और 2017 में एक और बड़ी चीज हुई, बहुत बड़ी चीज,
39 देशों के 190 डॉक्टर्स ने यूनाइटेड नेशंस को लेटर लिखा कि प्लीज ये जो चल रहा है 5G का सिस्टम, इसको रोका जाए, अदरवाइज बहुत बड़ा कांड हो सकता है रेडिएशन से, इससे बहुत बड़ा हेल्थ रिस्क हो सकता है, और पोल्यूशन जो पॉपुलर जो हमारा ये एनवायरनमेंट है ये भी एक नए तरीके के पोल्यूशन से ग्रसित हो जाएगा। और इसकी बात को भी बहुत सीरियसली नहीं लिया गया, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता है कि रेडिएशन जो होती है आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी है और इसे डेली लाइफ में यूज किया जा रहा है, और जो बनाते हैं ये सारी टेक्नोलॉजी इस पे सबसे रिच कैपिटलिस्ट का कब्जा है, और आपको अच्छी तरीके से पता है कि वो इतना आसानी से इन सबको जाने नहीं देंगे। यूनाइटेड स्टेट्स का नेशनल टॉक्सिकोलॉजी प्रोग्राम NTP चलता है, जिसने क्लियरली देखा है, क्लियरली ध्यान से देखेंगे, नेशनल टॉक्सिकोलॉजी प्रोग्राम ने क्लियरली देखा है कि रैट्स में जब हम उनको एक्सपोजर देते हैं अपने सेल फोन का, तो उनके अंदर कैंसरस ग्रोथ होते हैं, कैंसर सेल की ग्रोथ होती है, ये क्लियरली देखा गया है भाइयों। तो यूएस नेशनल टॉक्सिकोलॉजी प्रोग्राम, ये तो कम से कम यार मानो भाइयों, इन्होंने रेडियो रैट्स में देखा। आप कहोगे नहीं आदमियों में नहीं होगा, भाई सारे रिसर्च रैट्स पे ही होते हैं, उसके बाद आदमियों में लेके आते हैं, तो कहीं ना कहीं खतरा तो अपने ऊपर भी मंडरा ही रहा है भाइयों। और इंडिया की अगर हम बात करें, जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो बी होती हैं ये पोलिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है जब एक प्लांट दूसरे प्लांट में पोलिनेशन करना होता है तो ये बी बहुत मेहनत करती हैं, बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। और ये पूरा रिसर्च हमारा है, सर्वे आया है कि इंडिया में जो बी की पॉपुलेशन है, बी की जो कॉलोनीज हैं, बी मतलब मधुमक्खियों की जो कॉलोनीज हैं, वो जो कम हुई है, उसके पीछे कहीं ना कहीं मोबाइल टावर्स का बहुत ज्यादा योगदान है। जहां पे मोबाइल टावर्स है वहां पे धीरे धीरे बीज जो होती है उनकी पॉपुलेशन घटने लगती है, ये सर्वे आ चुका है साहब, और ये हमारे यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो बी की पॉपुलेशन जो कॉलोनी है इसको घटाने के पीछे इनका बहुत बड़ा योगदान है, जो कि हमारे अल्टीमेटली खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। तो बी जिसे देख के आपको डर लगता है, हो सकता है वो देखने को भी ना मिले, और इसके साथ ही साथ का खाद्य सुरक्षा, जो आप बड़े बड़े आइटम खाते हो ना, शायद वो भी ना मिले भाइयों, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ये आप विश्वास करो कि अगर बीज नहीं रही तो एनवायरमेंटल डिजास्टर होगा, और जो कि एकदम प्रूव्ड हो रहा है कि ये मोबाइल टावर से हो रहा है, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। लेकिन WHO का फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में एक बात कही गई है जो कि कहीं ना कहीं रिलैक्स करने वाली भी है, लेकिन भगवान जाने कितने दबाव में इन्होंने लिखा है कि जो जनरली रेडियो फ्रीक्वेंसीज होती हैं ये टेम्परेचर बढ़ाती हैं आपके आसपास का, राइट? तो अगर ये हमारे कान के पास हम लगा के बात करते हैं तो टेम्परेचर अगर यहां पे बढ़ता है तो ही ये निगेटिव इंपैक्ट डालती है। लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, लोग मोबाइल को कान पे लगा के बात नहीं करते हैं, वो अपने बॉडी से दूर रखते हैं, लोग दूर से चैट में ही लगे हैं, पोस्ट करते हैं, तो इसलिए उतना एक्सपोजर नहीं हो रहा जितना पहले था। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि वो इतना भी टेम्परेचर नहीं बढ़ाती है, आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा स्मूथ हो गई है, तो वो इतना भी टेम्परेचर नहीं बढ़ाती है जिससे कि कोई भी कैंसर हो सके या ह्यूमन बॉडी को कोई भी नुकसान पहुंचा सके। तो WHO का एक पॉजिटिव ये साइन आया, लेकिन इनका फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में इसका आंसर दिया गया है। तो कंक्लूजन क्या है हमारे पूरे इस डिस्कशन का, पूरे डिस्कशन का? नंबर वन, गवर्नमेंट शुड रियली बी कंसर्न विद द इशू। बिल्कुल गवर्नमेंट को इस इशू पे कंसर्न होना चाहिए। मेरा रिकमेंडेशन है कि 2022 में उसकी जो रिपोर्ट आए तब हमें फुल फ्लेज, मुझे पूरी उम्मीद है गवर्नमेंट तभी फुल फ्लेज आएगी, तब तक धीरे धीरे ट्रायल चलेंगे, शुरुआत होती रहेगी। गवर्नमेंट अगर डेमोक्रेटिक है तो उसको अपने सिटीजन्स की परवाह जरूर होनी चाहिए। नंबर टू, नो चीप मीडिया पब्लिसिटी शुड बी अलाउड। अगर कोई जूही चावला जैसा इंसान आता है और पब्लिसिटी करने के लिए सब काम करता है तो उसके ऊपर 20 लाख का जुर्माना अगर लगाया गया है तो बिल्कुल सही लगाया गया। WHO शुड ऑल्सो इशू गाइडलाइंस इन दिस रिगार्ड। WHO को भी, चूंकि सभी लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, थोड़ा कम हुई है क्योंकि कोरोना में इनकी बहुत सारी दवाइयां फेल हो गई थी, जितनी भी दवाइयां बताएं सारी फेल होती गई, इनको काफी गाली मिली है, तो WHO की थोड़ी इज्जत कम हुई, लेकिन अभी भी इतनी है कि और कोई अल्टरनेटिव है नहीं तो इनको भी गाइडलाइन जारी करना चाहिए यूनाइटेड नेशंस के बिहाफ पे, तो जो कंट्रीज हैं वो सुनेंगी इनकी बात को। और चौथी बात है, जो हमारे सिटीजंस हैं इनको भी मोबाइल टेक्नोलॉजी के सही यूज के लिए प्रमोट करना चाहिए, कैसे सही यूज होगा,
ताकि ये कम से कम एक्सपोजर में रहें, और फिर हम प्राइवेट सेक्टर से भी ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे मुकेश अंबानी है, जो भी लोग 5G टेक्नोलॉजी को लेकर आ रहे हैं इंडिया में, कि वो ऐसी चीप टेक्नोलॉजी ना यूज करें जिससे हमारा रेडिएशन बढ़े, और कम से कम चाइना से जरूर सतर्क रहें। जैसे कि आपको पता चला होगा कि चाइना ने अभी अभी जो उनके लैब से ही कोरोना वायरस निकला था, और चाइना ने उसको जानबूझ के बनाया था एक वेपन बनाने के लिए, आगे बायोलॉजिकल वेपन बनाने के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि 5G टेक्नोलॉजी का यूज करें और इंडिया के लोगों को निगेटिवली इम्पैक्ट करें। इसलिए आप लोग प्लीज, जो भी हमारे प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, वो सतर्क रहे चाइना से, और टेक्नोलॉजी इंडिजिनस हो या एक अच्छी कंट्री से उसे लाया जाए जो इस तरीके के काम में एंगेज ना हो। सो थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि ये लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा, और प्लीज जो मोबाइल फोन है उसका कम से कम उपयोग करें, और अपने कानों से उसको थोड़ा सा दूर रखें, ताकि आप भी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच। टेक केयर।